देखिए बेटा, पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था तो मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड एंड फिक्स्ड एंड। तो मैंने कहा था अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई फेज चेंज वहाँ पे नहीं होगा, अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे फेज चेंज कितना हो जाएगा बेटा आपका पाई। ठीक है, ये इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा ये वेव पूरा डायग्राम क्लास में बनवा दिया था, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ अभी थोड़ा सा। ये आपके इंसिडेंट वेव की इक्वेशन थी बेटा, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, फिर ये हमने दोनों का नेट निकाला था वाई नेट। सभी बच्चे बेटा अपना माइक म्यूट रखे, जब जरूरत हो मैं कहूँ तभी ओपन करें। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें ताकि आपकी वजह से किसी और को डिस्टरबेंस ना हो। ये माइक ऑफ रखे बेटा। ये माइक ऑन ना रखे सभी बच्चे। कोमल माइक ऑफ रखो बेटा। देखिए नहीं तो आपकी वजह से किसी और बच्चे को डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए आप अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा हमारे पास ये क्या थी इंसिडेंट वेव, ये क्या थी बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, ये सबको पता है इतना मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। ये वाई नेट डिस्प्लेसमेंट वाई आई प्लस में वाई आर। ठीक है, ये टेबल आप बना चुके हो कॉपी में पहले, बस आपको समझना है। नोट्स मैंने पहले ही आपको भेज दिए थे इसीलिए, ताकि आप यहाँ पे बस आराम से बैठ के समझ सके। ठीक है बेटा, सुमिधा दोबारा से ज्वाइन करो बेटा। तो हमने टी जीरो पे देखा, जब टाइम जीरो था तो हमारे पास ये वेव की ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ से, और यहाँ से ये बन जाएगी टोटल, ये इक्वेशन बनेगी माइनस टू ए साइन के एक्स। इसी तरह टी वाई फोर पे ये बन जाएगी हमारी ए कोस के एक्स, ये माइनस ए कोस के एक्स, और ये वाई नेट आपका जीरो। ठीक है बेटा, टी वाई टू पे ये बन जाएगी आपकी, और टी के ऊपर आपकी ये बन जाएगी। ये सब बातें पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, फ्री एंड से ही जो क्लास में करवाया था वही रिपीट कर रही हूँ अभी थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। इतने में बताइए, ये सब आप बना चुके हैं, इतने में किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है बेटा? किसी को डाउट हो तो मैसेज करना, नहीं हो तो चल कंटिन्यू। ठीक है बेटा, अब देखो। ठीक है बेटा, हाँ अब देखो, मैंने आपको यहां से अब ये वेव की इक्वेशन बनेगी हमारी, फर्स्ट वेव की इक्वेशन यहां से हमारी बेटा ये बन जाएगी टी जीरो के ऊपर। ठीक है, फिर टी टी वाई फोर पे ये बन जाएगी, और टी इज इक्वल टू टी वाई टू पे ये बन जाएगी, और टी इज इक्वल टू थ्री टी वाई फोर पे ये बन जाएगी बेटा, और टी इज इक्वल टू टी पर हमारी ये वेव की इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक है, हाँ अब देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये कितने में बनी बेटा, टी इज इक्वल टू जीरो पर, ये टी बाई फोर पर, ये टी बाई टू पर, ये थ्री टी बाई फोर, और ये बनी बेटा टी बराबर टी पर। हम यहां से क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो पार्टिकल है, ये जो यहां पे जो पार्टिकल यहां है वो पार्टिकल हमेशा अपनी पोजीशन पर फिक्स है। मतलब देखो ये वाला पार्टिकल, ये जहां है वहीं पे है, अपनी पोजीशन से इधर उधर डिस्प्लेस नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं बेटा नोड। जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से क्या हो बेटा जीरो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा नोड। और जहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से क्या हो जाए मैक्सिमम, उसे क्या कहते हैं बेटा एंटी नोड।
देखो ये क्या होगा आपका एंटीनोड, ये क्या होगा बेटा एंटीनोड, ये क्या आपका नोड, ये क्या है बेटा आपका एंटीनोड। और इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मेन पोजीशन पे ही है, सारे पार्टिकल्स किस पे है बेटा एट ए मेन पोजीशन, पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो यहां से हमने देखा कि डिस्टेंस, यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाई टू। ठीक है, ये बातें भी मैं कैसे क्लास में लिखवा चुकी हूँ शायद। देखो ये दो नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये लैम्डा बाई टू। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की भी बेटा कितनी होगी, लैम्डा बाई टू। जैसे ये एंटी नोड बेटा, और ये भी क्या आपका एंटी नोड, जैसे ये दो ले लूं मैं, ये वाले दोनों दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाई टू। लेकिन बट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड कितनी होगी बेटा आपकी, लैम्डा बाई फोर। एक नोड देखो, ये एंटी नोड और ये नोड, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाई फोर। एक नोड और एक एंटी नोड, दो कंसेक्यूटिव नोड एक एंटी नोड है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाई फोर। और दो नोड्स के बीच की लैम्डा बाई टू, और दो एंटी नोड्स के बीच की भी बेटा लैम्डा बाई टू होगी। नोड मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए बेटा आपका जीरो, और एंटी नोड मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए बेटा आपका मैक्सिमम, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो बेटा आपका मैक्सिमम। ठीक है, एंड नोड लिख लो, मैं लैंग्वेज में बोल देती हूँ, नोड्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन क्या हो बेटा जीरो, एंटी नोड्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन क्या हो बेटा मैक्सिमम। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ, अब इससे थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ मुझे क्योंकि इस लेक्चर से कनेक्शन था, इसलिए मुझे इतना लेक्चर आपको रिपीट करना पड़ा। यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो मैं आगे चलती। ये मैं लैंग्वेज में बोल देती हूँ या लिख दूँ एक बार मैं। देखो ये बात ध्यान रखना, और देखो एक छोटी सी बात, देखो ये सारे पार्टिकल ऐसे चल कर रहे हैं, देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये पार्टिकल मेन पोजिशन पे, ये पार्टिकल फिर इधर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर देखो ये अपने मेन पोजिशन पे, फिर ये पार्टिकल अपनी पोजिशन से ऊपर जा रहा है। तो देखो ये पार्टिकल लगातार क्या कर रहा है, SHM, लगातार क्या कर रहा है बेटा, SHM कर रहा है। ये इस एक ही पार्टिकल की कहानी है, यहाँ देखो एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर मेन पोजिशन पे फिर नीचे, देखो ऊपर फिर मेन पोजिशन पे फिर नीचे फिर मेन पोजिशन पे फिर ऊपर। तो यही तो होता था, ये मेन पोजिशन से चला, देखो ऊपर फिर मेन पोजिशन पे फिर ऊपर फिर मेन पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है अपना SHM, ऑल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, यहाँ पे SHM पे। इसी तरह इस पार्टिकल की, यहाँ ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये फिर मेन पोजिशन पे आ गया, फिर ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर ये मेन पोजिशन पे, फिर यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है। तो जो पार्टिकल नोड पे है बेटा, जो एंटी नोड पे, वो लगातार क्या कर रहा है, SHM मोशन कर रहा है। बताओ बेटा इतनी बात समझ आई सबको, एक बार रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, बोलिए बेटा एक बार।
रितिका अभिषेक चल ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको ये मैथमेटिकली, देखो ये हमने ग्राफिकली समझा कि नोड कैसे बना, एंटी नोड कैसे बना, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली सिखाती हूँ ये बातें मैं आपको, कि ये मैथमेटिकली कैसे बना। मैं थोड़ा धीरे बोल पा रही हूँ तुम्हें, तो पता है ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिन से, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा, ठीक है। लिख लो, मैं नोड की डेफिनेशन लिख देती हूँ। नोड मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन, मेन पोजिशन क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। एंटी नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन मैक्सिमम, क्योंकि मेन पोजिशन का कंसेप्ट मैंने क्लास में लगातार दो तीन लेक्चर में समझाया आपको बड़े डिटेल्स, जब मैंने बेसिक वेव का कंसेप्ट समझाया है तो मैंने मेन पोजिशन को बड़े अच्छे से बताया कि एक गली है, गली में क्या है, ये गली है, गली में घर जो है वो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मेन पोजिशन है, और पार्टिकल मेन पोजीशन से कितना दूर है वो वाई है आपकी। जब आप वेव की इक्वेशन लिखते हो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का एक्स, मैंने बड़े अच्छे से वे बातें डिटेल में वहां क्लास में समझाई है कि एक्स क्या है बेटा, वाई क्या है, ए क्या है, पार्टिकल अपने घर से कितना दूर है वो वाई है, और पार्टिकल की मेन पोजिशन क्या है बेटा, एक्स है। उस गली में उस घर का पता क्या है आपका, पता कौन बताता है, एक्स बताता है, मेन पोजिशन बताता है, ठीक है। हाँ लिख, सबने लिख रखा है नहीं बातें, नहीं लिख रखे देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं इन बातों को, अब तुम्हें बड़े इजीली समझ आएगी कि कुछ बातें जो मैंने तुम्हें ग्राफिकली समझाई, अब हमारी बुक में भी ये चीजें दे रखी है इजीली बड़े आराम से और सीधी सीधी दे रखी है। अब हम इन चीजों को यहां से मैथमेटिकली पढ़ेंगे। देखो एक इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इंसिडेंट और वाई रिफ्लेक्टेड क्या है बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड, ठीक है। हाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, ये वाई इंसिडेंट की बेटा और ये है बेटा आपकी वाई रिफ्लेक्टेड की, ठीक है। अब टोटल हो जाएगा वाई आई प्लस में वाई आर, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट आएगा, ओमेगा टी प्लस में के एक्स, मैंने इन दोनों देखो, तो यहाँ माइनस था बेटा यहाँ पे, इसलिए यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस, ठीक है। हाँ अब हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इस पूरे एंगल को मैं सी मान लेती हूँ और इस पूरे एंगल को बेटा मैं आपको समझाने के लिए डी मान लेती हूँ, ये पूरा एंगल ही है ना, ये फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या बताता है बेटा आपको, फेज बताता है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। किसी बच्चों को याद नहीं है तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया है और बुक्स में स्टार्टिंग में दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री के रूल में, ठीक है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है। हाँ अब इसको लगा दो, ये पूरा सी है बेटा, ये पूरा डी है, ये दिख रहा है ना सबको नीचे, तो वाई बराबर क्या बन जाएगा बेटा, ए
ये टू आ जाएगा आगे बेटा, ये वाला कोस सी प्लस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंगल का सम लेना एंगल इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी ये रहा बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाय टू और कर देना बेटा, और ये है बेटा माइनस सी माइनस डी है ना, देखिए माइनस डी तो माइनस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। अब देखो के एक्स से के एक्स बेटा कैंसिल, और यहाँ पे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, लिख रखा तो सही है, किसी बच्चे ने नहीं लिख रखा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने नोट्स इसीलिए पहले सेंड कर दिए थे ताकि आप बस सिर्फ समझ लो, बैठ के लिखना ना पड़े आपको, हो गया बेटा। हाँ अब ऊपर से हटा दूं, तो क्या आया बेटा वाई नेट हमारे पास, देखो टू ए कोस, देखो ये बचेगा टू ओमेगा टी बाई टू, और ये बचेगा बेटा साइन टू माइनस टू के एक्स डिवाइड बाई टू, टू से टू बेटा कैंसिल, तो क्या है टू ए कोस ओमेगा टी साइन माइनस के एक्स, ठीक है। हाँ ये लिख लिया ना, अब मैं इसको यहां से लिख सकती हूँ टू ए, देखो मैंने समझाया था साइन के अगर एंगल में माइनस है तो उसको क्या लिख सकते हैं बेटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन के एंगल है माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, टू ए साइन के एक्स आगे पीछे लिख रहे हो और कुछ नहीं, कोस ओमेगा टी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, जब मैंने वेव की इक्वेशन लिखवाई थी तब तो मैंने बताया था ये इक्वेशन किसकी बेटा, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इस तरह से साइन कोस के फॉर्म में जो इक्वेशन ऐसे लिखी मिलेगी कि एक फंक्शन के एक्स है एक ओमेगा टी है, ठीक है। इस तरह की वेव की इक्वेशन किसकी होगी बेटा, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होगी, ठीक है। हाँ यहां तक समझ आया सबको, कोई डाउट है तो बताइए एक बार जल्दी सी रिस्पॉन्स दीजिए, एक बार बोलो आगे, एक बार बताओ बेटा, ठीक है ओके बेटा। अब देखो यहां से, हाँ अब यहां से आगे कैसे करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये मैंने क्या बताया, ये किसकी इक्वेशन, आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का जो ये पार्ट है, ये जिसमें ओमेगा टी आएगा, जो कोस हो चाहे साइन हो, जिसमें क्या आएगा ओमेगा टी, वो किसको बताएगा बेटा फेज को, वो किसको बताएगा बेटा आपका फेज को बताएगा, ठीक है। और ये जिसमें के एक्स फंक्शन आएगा, जिस साइन हो, यहाँ पे साइन कोस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जिसमें एक्स आएगा ना, एक्स देखो एक्स ही तो बताता है मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ ये बताएगा बच्चों वेव का एम्पलीट्यूड, ये फेज एंगल को बताएगा, और ये क्या बताएगा बेटा ये वाला पार्ट, ये जो इसके साथ साइन के एक्स होगा, जैसे माने कोस भी हो सकता है साइन, बस के एक्स वाली जो टर्म होगी 2a साइन के एक्स, ये वाली टर्म क्या बताएगी एम्पलीट्यूड, और ये वाली टर्म क्या बताएगी आपको कोस ओमेगा टी, क्या बताएगा आपको फेज बताएगी, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अब मैं आपको बताऊंगी कि नोड कैसे बना और एंटी नोड कैसे बना, एक बार नोट कर लो इस बात को जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया
देखो। माइनस टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा, ठीक है। नोड पहले बात कर लेते हैं बेटा, पोजीशन फॉर नोड, पोजीशन फॉर नोड। तो मैंने बताया नोड का मतलब एम्पलीट्यूड वहां पे क्या हो जाए बेटा आपका जीरो, मतलब वहां पे साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जीरो। तो ये फैक्टर क्या बता रहा है, साइन के एक्स वाला फैक्टर किसको बता रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड को। मतलब जो ये साइन के एक्स वाली जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है ये टर्म जीरो के बराबर कब होगी, जब फेज एंगल कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा आपकी जीरो। और ये जीरो कब कब होगा, एट पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू एंड सो, ठीक है। इन इन फैक्टर्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहां से देखो इस चीज को, ये फैक्टर ये जीरो कब होगा, साइन के एक्स, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, जीरो कब कब होगा बेटा, जब मैं कहूँ यहाँ पे साइन कितना आपका पाई, तो साइन से एक पहले केस की बात कर रही हूँ, पाई से पाई कैंसिल, तो के एक्स कितना आया बेटा आपका पाई। के क्या होता है बेटा, टू पाई बाई लैम्बडा एक्स बराबर पाई, पाई से पाई बेटा कैंसिल, एक्स कितना आया लैम्बडा बाई टू। इतनी डिस्प्लेसमेंट में मैंने यही कहा था एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू पर क्या मिलेगा आपको, नोड मिलेगा। देखो स्टार्टिंग एक नोड पोजीशन की बात करें इसमें, अरे जीरो में साइन जीरो में तो जीरो ही होता है ना, देखो हाँ ये मिले लो पहली कंडीशन, तो जीरो साइन जीरो पर भी तो जीरो ही आएगा, तो एक्स जीरो पर भी क्या आया आपका नोड ही मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, नोड मिला। अब दूसरा केस, मैं एक केस दो केस लेके बताती हूँ फिर आप खुद कर लेंगे। साइन पाई भी क्या होता है बेटा जीरो, ये जीरो कब होगा, जब के एक्स बराबर पाई हो जाए बेटा, तो एक्स कितना हो जाए, के की वैल्यू बेटा टू पाई बाई लैम्बडा, पाई से पाई बेटा कैंसिल, तो एक्स कितना हो गया लैम्बडा बाई, तो एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाई टू पे क्या मिलेगा नोड। देखो ये बातें रटनी पड़ती, रटनी नहीं, मैं एक एक बात समझाऊंगी आराम से समझाएगी, एक टॉपिक हो जाए कम हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरी पोजिशन और देख समझाती हूँ, फिर मैं एक जनरलाइज केस लिखूंगी। साइन के एक्स, साइन टू पाई भी क्या होता है बेटा जीरो होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो के एक्स बराबर बेटा टू पाई, के की वैल्यू बेटा टू पाई बाई लैम्बडा, ये सबको पता है बहुत अच्छे से, 2 पाई बाई लैम्बडा एक्स, 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो एक्स बराबर लैम्बडा, मतलब एक्स जीरो पे लैम्बडा बाई टू लैम्बडा, इन पोजीशंस पे हमें क्या मिलेगा नोड मिलेगा, ठीक है। एक बार इसका सीन सोच लो, फिर जनरल लिखते हैं केस को। बताइए जनरल क्या कह सकती हूँ बेटा, देखो इन जनरल में कैसे क्या कह सकती हूँ यहां से कि के एक्स बराबर जीरो है कब कब, एट जीरो पाई टू पाई साइन के एक्स, जीरो कब कब है थ्री पाई फोर पाई एस सोन, तो एक्स की वैल्यू जीरो लैम्बडा बाई टू लैम्बडा थ्री लैम्बडा बाई टू, ठीक है, और टू लैम्बडा एस ओ, इन इन पोजिशन पर आपको क्या मिलेगा बेटा नोड मिलेगा,
क्या मिलेगा आपको? नोड में। अरे बोलो, बात आई समझ में या नहीं आई? आपको इसको चेक करना है, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि नोड, नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। नोड मीन्स बेटा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। तो पहले ये पोजिशन बात करें, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन जीरो हो, क्या हो? जीरो। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेन पोजिशन से जीरो, यहाँ पे बेटा जीरो, तो ये नोड। तो पहले जीरो पे मिला, फिर यहाँ पे एक्स कितना हो गया? लैम्डा बाई टू हो गया। फिर यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा हो गया। तो देखो एक्स जीरो पे लैम्डा बाई टू लैम्डा, फिर अगला थ्री लैम्डा बाई टू, फिर आपका इसी तरह से आगे चलता जाएगा। हमें इन इन पोजिशंस पे क्या मिलेगा बेटा? नोड, नोड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नोड। नोड की पोजिशन समझ आई? बताइए, फिर से समझाऊं? नहीं आया तो दोबारा से बताऊं? थोड़ा सा टॉपिक लगता है अटपटा, पर है नहीं, मैं अटपटा रहने नहीं दूंगी इसको। अटपटा मैं इसको दोबारा से कहोगे तो मैं फिर बता दूंगी, पर समझ आना चाहिए। बस आपको ये देखना है ये साइन के एक्स कहां कहां जीरो होगा। तो आपको पता है साइन जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, इन सब पे साइन के एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पर देखो साइन से साइन कैंसिल, मैंने पहले केस लेके बताया, ठीक है, के एक्स बराबर जीरो बेटा, के को क्या लिख सकते हो बेटा? टू पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स बराबर जीरो। तो एक्स क्या आया? जीरो। इसी तरह हर केस को साइन के बराबर रख के लिखेंगे तो क्या देखेंगे? एक्स जीरो लैम्बडा बाई टू लैम्बडा थ्री लैम्बडा बाई टू। इन इन पोजिशंस पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। बेटा एक बार मीटिंग है ना 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट होगी, आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हाँ, क्योंकि जूम पे 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, एक घंटे का पीरियड हमारा, ठीक है बेटा? अगली पोजिशन देखो। अब हम बात करते हैं नोड एंटी नोड। अब देखो ये भी देखो, मैंने कहा टू कंसेक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? लैम्डा बाई टू। तो देखो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, 10 मिनट बाद ऑफ हो जाएगी बेटा मीटिंग, दोबारा से ज्वाइन करनी है फिर सब बच्चों को। तो देखो ये कितना हुआ? लैम्डा बाई टू। और अगली मीटिंग में ही लूंगी आपका वो अटेंडेंस, कितनी आई? लैम्डा बाई टू। इन दोनों को घटाओ तब भी लैम्डा बाई टू, इन दोनों को घटाओ तब भी क्या आया? लैम्डा बाई टू। तो टू कंसेक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा? लैम्डा बाई टू। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि आपके पास पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा फेज, फेज फाइव, डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस किसके बराबर था? टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के, पाथ डिफरेंस, ठीक है? तो अगर आपको यहां से पाथ डिफरेंस पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? फेज डिफरेंस भी पता कर सकते हो। डेल्टा एक्स दो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई टू। तो टू पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई टू कितना आया? पाई। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई। तब तब क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। तब तब क्या मिलेगा आपको? नोड मिलेगा। उल्टा भी प्रूव कर दिया ना मैंने, क्लियर? अरे बोलो, आई बात समझ? नहीं आई? चलो अब हम बात करते हैं बेटा एंटी नोड की। पोजीशन फोर एंटी नोड, एंटी नोड पोजीशन फोर एंटी नोड। मैं इसका रिकॉर्डेड भी भेज दूंगी, किसी को नहीं समझ आएगा तो बाद में देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, रिपीट करके, पर क्लास में आना जरूरी है, लाइव क्लास में। पोजीशन फोर एंटी नोड, एंटी नोड के लिए क्या होगा बेटा? क्या था हमारे पास? वाई नेट माइनस टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा। एंटी नोड मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट
मैक्सिमम, मतलब वहां पे कोस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो प्लस वन हो जाए, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या हो आपका वहां पे, आपका मैक्सिमम, मतलब साइन के एक्स की वैल्यू वहां पे कितनी मिले, प्लस वन मैक्सिमम मिले एम्पलीट्यूड आपको। कब मिलेगा बेटा आपको ये, जब मान ले साइन पाई बाई टू पे मिलेगा पहला केस, देखो साइन से साइन कैंसिल तो के एक्स पाई बाई टू, के की वैल्यू बेटा टू पाई बाई लैम्डा पाई बाई टू, पाई से पाई बेटा कैंसिल तो एक्स बराबर लैम्डा बाई फोर। मतलब पहले एंटी नोड देखो यहां से, पहला एंटी नोड यहां मिलेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई, पहले एंटी नोड की पोजीशन कितनी होगी बेटा आपकी लैम्डा बाई फोर। इसी तरह इन जनरल मैं लिख सकती हूं कि एक्स जो है क्या होगा पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, एस ऑन इन इन पोजिशंस पर साइन के एक्स की वैल्यू कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर, फाइव लैम्डा बाई फोर, सेवन लैम्डा बाई फोर। मतलब ये जो पोजीशन है ये किसकी आएगी बेटा आपकी एंटी नोड की, बताइए ये सारी पोजीशन किसकी मिलेगी आपकी एंटी नोड। तो ये केस था बेटा हमारा किसका, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड का, किसका केस है ये हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक है। हाँ क्या बात हुई क्रिस, क्या बात होगी क्रिस बेटा, तो कोई बात नहीं मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगी फिर छोड़ दूंगी, या आज इतना ही पढ़ोगे? नहीं बेटा थोड़ा सा और पढ़ लो अभी, है ना। अब हम किसके बारे में बात करें, अब अभी तक जो केस समझाया ना आज मैंने आपको सारा, वो क्या समझाया रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड समझाया है सॉरी, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ठीक है। अभी जो सारा केस एज इट इज जो समझाया अब डिस्कस करते हैं, फटाफट टेबल में बनाती हूँ। मैं बस जल्दी से लिख दूं, टेबल सबने लिख रखी होगी, पहले समझा भी चुकी हूं सारी। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ये समझ लो फिर सब बहुत कुछ चीजें समझ आ जाएंगी आपको। ये किस चीज चीजें समझ आ गई तो बहुत कुछ चीजें इस चैप्टर की समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड के लिए क्या समझाया था आप लोगों को मैंने कि y incident a sin omega t minus kx, देखो फिर ये वेव है ये फ्री एंड है, ये क्या था बेटा फ्री एंड, जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो सेम फेज में रिफ्लेक्ट होगी। तो y रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या बन जाती है वहां से, a sin ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है, बीच में क्या आ जाएगा बेटा प्लस ओमेगा टी प्लस में केएक्स, ठीक है। अब इसके लिए हम वो टेबल बनाएंगे, एक बार फटाफट नोट कर लो। हाँ मैं टेबल बना रही हूँ फटाफट रिफ्लेक्शन फॉर फ्री एंड के लिए, जैसे हमने फिक्स्ड के लिए बनाई सेम एज इट इज, टी इंसिडेंट वाई आई ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स y r a sin omega t plus kx, और फिर आपका y
नेट, वाई नेट, वाई आई प्लस में वाई आर, ठीक है। हाँ सबसे पहले बात करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी जीरो पे क्या हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स, ये हो जाएगा प्लस ए साइन के एक्स, यहाँ मिलेगा बेटा आपको जीरो, ठीक है। फिर बात करते हैं टी बाई फोर पे, टी बाई फोर पे वाई आई की वैल्यू मिलेगी बेटा आपको कितनी, ए कोस के एक्स, ये पता नहीं क्या पे रख लोगे ना, अरे ये सब सबको पता है, लिख रख के दिखाऊं एक बार, एक केस रख के दिखा देती हूँ, ए साइन ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाई टी, और टी की जगह टी बाई फोर माइनस का के एक्स, टी से टी कैंसिल टू से टू कैंसिल, क्या मिला ए साइन पाई बाई टू माइनस के एक्स, ठीक है। पाई बाई टू माइनस है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए कोस के एक्स, ठीक है। इस तरह से बस इस टी की जगह रख के ऐसे ही कुछ सिचुएशन बन जाएगी सारे केस में, उसको लिख लेंगे, मैं सीधा लिख दूं यहां से आपका, ये बनेगा ए कोस के एक्स, ये भी बनेगा ए कोस के एक्स, तो ये बन जाएगा टू ए कोस के एक्स। फिर चेक करेंगे बेटा टी इज इक्वल टू टी बाई टू पर, ये बनेगा ए साइन के एक्स, ये बनेगा माइनस ए साइन के एक्स, ये बनेगा बेटा जीरो। सिमिलरली टी इज इक्वल टू किस पर चेक करेंगे, थ्री टी बाई फोर पर, तो ये बनेगा थ्री टी बाई फोर पर, थ्री टी बाई फोर पर बन जाएगा माइनस ए कोस के एक्स, ये भी बनेगा माइनस ए कोस के एक्स, ये बनेगा माइनस टू ए कोस एक्स, ठीक है। हाँ फिर बनेगा बेटा आपके पास ये टी पर, टी इज इक्वल टू टी पर, ये बनेगा बेटा माइनस ए साइन के एक्स, ये बनेगा ए साइन के एक्स, और ये बन जाएगा बेटा आपका जीरो, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अब हम पढ़े रिफ्लेक्शन फिक्स एंड पढ़ा था, अब हम पढ़े रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ठीक है। फ्री एंड की इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये होगी, रिफ्लेक्शन की ये होगी, ठीक है। इनको सबको उसी की तरह से जैसे फ्री एंड फिक्स्ड में था वैसे फ्री में ये करेंगे, तो हमारे पास ये फर्स्ट सिचुएशन ये बनेगी, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है सबको, क्लास में बड़े अच्छे से हम समझ चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए किसी बच्चे को बेटा, हटा दो ये सब नोट ले लिया, सब स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अब देखो, अब मैं इसकी वेव बन इक्वेशन वेव बनाओगे तो वेव ड्रॉ कैसे करोगे, यहां से देखो देखिए, फर्स्ट सिचुएशन क्या बता रही है कि सभी पार्टिकल कहां पे एट है, मेन पोजीशन। सेकंड सिचुएशन, पार्टिकल कहां पे एट है, एक्सट्रीम है पोजीशन। थर्ड सिचुएशन, ऑल पार्टिकल्स आर एट है मेन पोजीशन, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स आर एट है मेन पोजीशन, ठीक है। फिर ये बता रहा है पार्टिकल्स आर एट मेन पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, नेगेटिव। फिर यहाँ से सेम बातें, ऑल पार्टिकल्स आर एट मेन पोजिशन, सही बात है कि ये पार्टिकल यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे किस पे आ गया, मेन पोजिशन पे, फिर यहाँ पे फिर ऊपर, फिर यहाँ पे फिर किस पे आ गया, मेन पोजिशन पे, तो ऑल पार्टिकल्स एक फिक्स पोजिशन पे क्या कर रहे हैं आपका, एसएचएम, पार्टिकल अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं कर, स्टैंडिंग में, ट्रेवलिंग में पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। ये से ए पार्टिकल देखो, एक बार मेन पोजीशन पे था, फिर नीचे आया, फिर मेन पोजीशन, फिर ऊपर, फिर आपका नीचे, तो कंटिन्यू पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है, ठीक है।
वही बात, ये पोजीशन बेटा नोड की होगी, ये पॉइंट पोजीशन किसकी होगी आपकी, एंटीना। ठीक है, हाँ ये बात एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इसको मैथमेटिकली ड्रा आउट कर लेते हैं एक बार। लिख लिया? अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे बेटा। ये हम ग्राफिकली समझा हमने, अब हम मैथमेटिकली जैसे पीछे करा था एज इट इज। वाई इंसिडेंट क्या है बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई रिफ्लेक्टेड है बेटा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। टोटल के लिए बेटा ऐड कर देंगे वाई नेट के लिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ये देखो कैसे बन गया साइन, इस पूरे एंगल को सी बोल देंगे, इस पूरे एंगल को डी बोल देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई लगा दो तो क्या मिल जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, ये मिलेगा आपको 2a cos kx sin omega। ये टर्म क्या बता रही है आपको, फेज, ये टर्म क्या बताएगी आपको, एम्पलीट्यूड। मैंने कहा था जिस टर्म में साइन की जगह cos हो सकता है, ठीक है, जिस टर्म में kx होगा वो एम्पलीट्यूड बताएगी, इसमें ओमेगा t होगा वो क्या बताएगी आपको, फेज। सेम एज इट इज, जैसे मैंने फिक्स एंड समझाया वैसे ही आपका सेम ये है। ठीक है बेटा, बताइए कितना हो गया सबका। yes, ओके, अब आगे चले, सबको आ गया, मनोज आ गया भाई, ये सुमित, मनोज yes, ओके बेटा, चिन्मय। अब देखो सेम जैसे पीछे था वैसे, अब देखो आगे चलते हैं। रोहित है प्रेजेंट, क्या बनेगा रोहित, yes, ma'am. आ गया साइन ओमेगा टी। ये भी बेटा क्या आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, मैंने कहा था इस तरह से जो भी इक्वेशन बनेगी यहाँ जिसमें आ जाए 2a cos kx ओमेगा टी साइन kx साइन ओमेगा टी, इस तरह की जो सिचुएशंस बनेंगी, थोड़ा बहुत फेज चेंज होके आ सकती है, इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अब इसमें बेटा क्या निकालोगे, सबसे पहले पोजीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, पोजीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। पहले बात करते हैं पोजीशन फॉर नोड, नोड का मतलब बच्चों ये वाला फैक्टर वहां पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो। वाई नेट डिस्प्लेसमेंट, नोड मतलब जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो बेटा, जीरो। नोड मतलब जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो आपका, जीरो। और ये के एक्स वाला फैक्टर क्या है आपका, जीरो आए। ये जीरो कब कब आएगा, देखो मैं क्या लिखूं, कोस के एक्स, क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई बाई टू, पहली केस समझा रही हूँ, कोस से कोस के एक्स बराबर पाई बाई टू, के की वैल्यू बेटा टू पाई बाई लैम्डा पाई बाय टू, पाई से पाई बेटा कैंसिल, तो एक्स कितना आया लैम्डा बाई फोर। एक केस और क्या हो सकता है, कोस के एक्स कोस थ्री पाई बाई टू, के की जगह टू पाई बाई लैम्डा एक्स
थ्री पाई बाई टू, पाई से पाई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, थ्री लैम्बडा बाई फोर। मतलब कि जब आपके पास के एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, इन इन फैक्टर्स पर कोस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाई फोर। दिख तो रहने बेटा नीचे, मतलब कि जब अब फिर ऊपर ही देती हूँ मैं, क्या कोस की वैल्यू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, एस ओन, इन सब पे कोस के एक्स क्या होगा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू लैम्बडा बाई फोर, थ्री लैम्बडा बाई फोर, इन सब पर क्या बन मिलेगा आपको, नोड। दीज आर द पोजिशन ऑफ नोड फ्रॉम फ्री एंड, दीज आर द पोजिशन ऑफ नोड फ्रॉम फ्री एंड। देखो मिला भी था, पहले केस में क्या था, पोजिशन सारे पार्टिकल किस पे थे, एट मीन पोजिशन। सेकेंड केस में क्या था, माइनस टू साइन के एक्स, तो देखो ये पोजिशन किसकी थी आपकी, नोड की। कितने पे है ये वाली जो पोजिशन आएगी, यहाँ से ये देखो इतना, यहाँ से ये, तो ये लैम्डा बाई फोर है ना, यहाँ तक देखो मेन पोजिशन से आ रहा है, कितनी है लैम्डा बाई फोर। तो पहले कितने में मिली आपको, लैम्डा बाई फोर पर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो आई या नहीं आई। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ ओके ओके बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफिकली भी देखो यहाँ पे ही मिला, अब इसको मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया मैंने, थोड़ा इजी बना दिया, और थोड़ा जो बच्चा ग्राफिकली डायरेक्ट नहीं देख पा रहा था वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके समझ सकता है इजीली। ठीक है आगे देखो, अब बात करते हैं बच्चों पोजीशन फोर एंटी नोड की। तो एंटी नोड का मतलब बच्चों ये पोजीशन y डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वहां पे, मैक्सिमम। ठीक है तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बेटा, यहां से आपकी कोस के एक्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कोस जीरो पे, पहला केस तो कोस जीरो ही आ जाएगा। हाँ कोस से कोस कैंसिल, के की वैल्यू बेटा टू पाई बाई लैम्बडा, तो एक्स बराबर जीरो पे ही मिल जाएगी पहला एंटी नोड। तो मिला ना, देखो पार्टिकल पहले मेन पोजीशन पे था, सेकंड केस में याद था ना, यहाँ पार्टिकल कहाँ पे है, ये एंटी नोड पे। तो पहला एंटी नोड फ्री एंड में कहाँ मिल गया, x इज इक्वल टू जीरो पर, कहाँ पे मिला आपको, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो के एक्स की वैल्यू जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई एस ऑन, ठीक है इन सब पर क्या मिलेगा आपको, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो लैम्बडा बाई टू लैम्बडा, थ्री लैम्बडा बाई टू, अगला क्या आएगा आपका टू लैम्बडा, इस तरह से एस सोन। ठीक है इन इन पोजिशन पर क्या मिल जाएगा आपको, एंटी नोड, क्या मिलेगा आपको एंटी नोड। ठीक है आगे समझ में, बोलिए बेटा। यस मैम। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हाँ कल आगे इसके करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंस कुछ बातें और डिस्कस। लिख सबने नोट्स बना लिए जो मैंने सेंड करे थे आपको। यस मैम।